हेलो डिशन, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम क्या सीखेंगे, हम पढ़ रहे हैं मेथड्स ऑफ गुडविल। गुडविल के जो मेथड्स होते हैं उनके ऊपर मैंने आपको चार्ट बना के दिया है, वो चार्ट आपको याद करना है। उस चार्ट से, सिर्फ उस चार्ट से 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, प्लस में जो मैं अभी आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करा रहा हूं एक क्वेश्चन में से आएगा, 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड से किस तरीके से अगर वो क्वेश्चन पूछते हैं टेक्निकली, तो उसका एग्जाम्पल अपन यहाँ पे देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में हम सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कि इसको एग्जाम्पल नंबर 3 दे रहा हूं मैं नाम, ठीक है। तो 2 एग्जाम्पल मैं करा चुका हूं। एक एग्जाम्पल मैंने कराया था एवरेज प्रॉफिट मेथड पे, एग्जाम्पल नंबर 2 कराया था वेटेड एवरेज प्रॉफिट पे, और एग्जाम्पल नंबर 3 करा रहा हूं मैं सुपर प्रॉफिट मेथड पे, राइट। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए एग्जाम्पल नंबर 3 ले रहे हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर क्या है, टोटल नंबर ऑफ ईयर दे रखे हैं, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पे दे रखे हैं बेटा 7 ईयर्स, राइट। और जो ये 7 ईयर है टोटल नंबर ऑफ ईयर, इनमें प्रॉफिट और लॉसेस दे रखे हैं, किस साल प्रॉफिट हुआ किस साल लॉस हुआ वो सारे लिखेंगे, 2009 से लेके 2015 तक, राइट। 2009, 2010, 11, उसके बाद 12, 2013, 2014 और 2015 तक किसी साल प्रॉफिट है किसी साल लॉस है, तो आपको ध्यान रखना है कि किस साल प्रॉफिट है किस साल लॉस है। 20,000 मैं क्या करूंगा ना कि मैं यहां पर जो प्रॉफिट है उसको प्लस में दिखा दूंगा और जो लॉस होगा मैं उसको ब्रैकेट में दिखा दूंगा, आप इस बात को समझना। हालांकि क्वेश्चन के अंदर अगर आपको एग्जाम में आता है तो हो सकता है कि वो लोग क्या करे कि इस तरीके से भी दिखा दे जैसे मैंने बोला है, या फिर सामने लिख भी सकते हैं कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है, तो वो बात भी हो सकती है। तो 20,000 रुपए का प्रॉफिट है, 70,000 रुपए का लॉस है, तो 70,000 रुपए यहाँ पे नेक्स्ट ईयर लॉस दे रखा है, 40,000 रुपए का लॉस है उसके अगले साल, 40,000 रुपए का लॉस है तो इसको मैं ब्रैकेट में दिखा देता हूं। आगे 2,50,000 का प्रॉफिट है, तो 2,50,000 का प्रॉफिट है तो इसको प्लस है तो ऐसे ही छोड़ देंगे। 2,70,000 का प्रॉफिट है, 2,70,000 है तो वो भी लिख लेंगे। 3 लाख का प्रॉफिट है तो 3 लाख का प्रॉफिट लिख लेंगे यहाँ पे। उसके बाद आते 3,20,000 का प्रॉफिट है तो 3,20,000 का प्रॉफिट है वो भी अपन लिख लेंगे। इतना लिखने के बाद आगे जो एग्जाम क्वेश्चन दे रखा है, कैपिटल इन्वेस्टेड क्वेश्चन में दे रखी है, कैपिटल इन्वेस्टेड दे रखी है यहाँ पे, कैपिटल इन्वेस्टेड दे रखी है 12 लाख, ये लिख लेंगे जो दे रखा है एग्जाम्पल के अंदर। उसके बाद आगे कहता है एनआरआर दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, एनआरआर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10%, ये आप लिख लेंगे। गुडविल निकालने के लिए बोल रहा है और नंबर ऑफ ईयर परचेज भी दे रखा है, नंबर ऑफ ईयर परचेज भी दे रखा है, ठीक है ना, 2.5, राइट। आगे कहता है ढाई, ठीक है ना, 2 साल, ठीक है ना, 6 मंथ, 2 ईयर 6 मंथ का नंबर ऑफ परचेज रखा है। और उसके बाद कहता है कि गुडविल हमें निकालना है और गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट मेथड यहाँ पे बोल रखा है। तो ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को बनाएंगे ताकि अगर टेक्निकल क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आप करेक्ट कर सके, ठीक है ना। हालांकि क्लास 12th में आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत सारे पढ़ चुके होंगे, लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे क्लास 12th में कुछ चीजें छोड़ देते हैं, फिर भी पूरे साल का जो आप पढ़ के आए हो कम से कम 1 महीने के अंदर आपको पूरा रिवीजन करके जाना है डोमेन के अंदर। तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज आपको होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन यहाँ पे सुपर प्रॉफिट मेथड में, ठीक है ना, जो स्टेप होते हैं वो लिख लेंगे। मैंने आपको बताया था इसके अंदर 4 स्टेप्स होते हैं, तो 4 स्टेप्स यहाँ पे लिख लेंगे। स्टेप नंबर 1 के अंदर क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, टोटल प्रॉफिट माइनस टोटल लॉसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इयर्स, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है जिसके अंदर निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कैपिटल इन्वेस्टेड इंटू एनआरआर डिवाइड कर दो आप 100 से, राइट। थर्ड चीज होती है जिसके अंदर अपन निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, जो एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला है वो नीचे ले आएंगे, उसमें से माइनस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट जो यहाँ निकाला है। उसके बाद निकालेंगे गुडविल। गुडविल कैसे निकालते हैं, जो सुपर प्रॉफिट ऊपर निकाला है उसको नीचे ले आएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, राइट। शुरुआत करते हैं बेटा फर्स्ट स्टेप से। फर्स्ट स्टेप का नाम है एवरेज प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट माइनस टोटल लॉसेस, यानी जितने भी साल जो प्रॉफिट दे रखे उनको तो प्लस कर लेंगे। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ईयर कितने हैं, 7, तो 7 सालों के अंदर जो जो प्रॉफिट है उसको प्लस कर लो,
जो जो लोसिस है उसको प्लस कर लो, तो प्रॉफिट का जो प्लस करके आएगा वो यहां लिख देंगे, ठीक है ना, और जो लोसिस आए होंगे वो इसमें से माइनस कर देंगे लोसिस, राइट, और डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 7। अगर आप इस तरीके से करोगे तो 1,50,000 आ जाएगा आपका, राइट। क्या करना है दोबारा बोल देता हूं, प्रॉफिट्स को प्लस करना है, लॉसेस को माइनस करना है और डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ शेयर 7 से। कैपिटल इन्वेस्टेड क्वेश्चन में दे रखा है कैपिटल इन्वेस्टेड 12 लाख, नहीं दे रखा हो तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी करके भी निकाल लेते हैं हम लोग, तो 12 लाख लिख लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एनआरआर, बेटा 10% है यहाँ पे, तो 10% दे रखा है तो 10/100, ये 10% यहाँ पे दे रखा है एनआरआर, ठीक है ना, तो 12 लाख का 10% कितना होता है 1,20,000, राइट। और थर्ड स्टेप के अंदर इसमें से ये लेस करना है, यानी एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करना है, तो 1,50,000 माइनस 1,20,000 ये आ जाएगा आपका 30,000, ये सुपर प्रॉफिट आ गया, इसको नीचे उतार लेंगे बेटा, 30,000 को नीचे उतारेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, ये क्वेश्चन आपको हमेशा दे रखा होता है, आपको निकालना निकालना नहीं होता कभी भी, नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है 2.5, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 75,000 आपका आ जाएगा, राइट, क्लियर है। तो इस तरीके से अब आपको या तो इस तरीके से डायरेक्ट आपको दे देंगे, ठीक है ना, अगर नहीं देंगे डायरेक्ट तो क्या करते हैं वो मिसिंग फिगर करते हैं। कई बार तो आपने क्लास 12th में इस तरीके के क्वेश्चन पढ़े होंगे कि सारी चीजें आपको दे दी इस क्वेश्चन के अंदर, सब कुछ दे देंगे लेकिन यहां पर एवरेज प्रॉफिट आपसे पूछ लेंगे, ठीक है ना, ये मिसिंग फिगर कर दिया, एवरेज प्रॉफिट निकाल के दिखाओ, सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, अगर ये सब आता होगा तभी तो आप एवरेज प्रॉफिट निकाल पाओगे ना, है ना, गुडविल आपको दे देंगे वो निकाल के, तो फिर नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है, राइट, इस तरीके से आपको जाना पड़ेगा, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, फॉर्मूला आते होंगे, ये चीजें आप करोगे तभी आपसे क्वेश्चन बन पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको क्लियर है। अब एक मेथड बचा हुआ है कैपिटलाइजेशन और कैपिटलाइजेशन मेथड, और कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर दो मेथड होते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, इन दोनों के ऊपर एक एग्जांपल लेके दोनों को मैं आपको समझाने वाला हूं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी के चैप्टर्स जरूर देखें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे।